जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजफ टीवी। लखीमपुर खेरी के हिंसा के बाद सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। कई वीडियोस ऐसे हैं जिससे दोषियों का साफ पता चलता है, लेकिन अभी तक ये लोग पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। एक तरफ जहां यूपी सरकार किसानों के हत्यारे दोषियों को पकड़ने में नाकाम है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता जो किसानों से मिलने लखीमपुर जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर रही है और उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी शामिल हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी नज़रबंद रहने के बावजूद किसानों के हक में आवाज़ बुलंद कर रही हैं। हम आपको प्रियंका गांधी के उस फ़ोन कॉल को सुनाएंगे जिसमें वो नज़रबंद और हिरासत में रहने के बावजूद फ़ोन कॉल के ज़रिए लोगों को संबोधित कर रही हैं। आप वीडियो देखें इससे पहले। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज ताजफ टीवी पर देख रहे हों तो पेज को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों,
राजस्थान में जितने भी साथियों ने किसानों के लिए आज प्रदर्शन किया है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक मैं गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। चाहे हमें कितनी भी प्रयोग के लिए यहाँ रुकना पड़े, चाहे हम कितने भी संघर्ष हमें करना पड़े, हम नहीं लेते। आपसे ही मिलूंगी।